पिछले 20 सालों से नागपुर महानगर पालिका में काम करने वाले 5000 एवजदार कर्मचारियों में से तकरीबन 2206 एवजदार कर्मचारियों को मनपा प्रशासन ने स्थायी किया है, जिसके चलते एवजदार कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। मनपा परिसर में महापौर की प्रमुख उपस्थिति में एवजदारों का कार्यक्रम लिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में हजारों एवजदार मौजूद थे। पिछले 20 वर्षों में नागपुर महानगर पालिका में काम करने वाले 5000 एवजदार कर्मचारियों में से तकरीबन 2206 एवजदार कर्मचारियों को मनपा प्रशासन ने स्थायी किया है, जिसके चलते एवजदार कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। मनपा परिसर में महापौर की प्रमुख उपस्थिति में एवजदार का कार्यक्रम लिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में एवजदार मौजूद थे। मनपा के प्रांगण में महापौर संदीप जोशी, उपमहापौर मनीषा कोटे, सतीश ओले, वीरेंद्र कुकरेजा, दयाशंकर तिवारी, तानाजी वनवे खास तौर पर मौजूद थे। एवजदार कर्मचारी पिछले कई वर्षों से परमानेंट होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार 2206 एवजदारों को मनपा प्रशासन की ओर से स्थायी किया गया। नागपुर महानगर पालिका में ऐसे कई एवजदार थे, लगभग 4000 के आसपास उनकी संख्या बताई जा रही है, जो पिछले 1985 से लेकर 86 से लेकर और भी आने वाले दिन में अब तक के परमानेंट नहीं हुए थे, जिसके चलते उन पर भूखमरी की नौबत आ पड़ी थी। समय समय पे उन्होंने मनपा प्रशासन से दो हाथ किया और इतना नहीं तो कई बार उन्होंने ज्ञापन भी दिया, उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला था। मगर आखिरकार जीत उसी की होती है जो संघर्ष करता है, और जीत उसी की होती है जो कानून पर भरोसा रखता है। जी हाँ, और कानून पर जिस प्रकार से उन्होंने भरोसा रखा, तो आज तकरीबन 2122 लोग जो है परमानेंट होने जा रहे हैं। इस समय में हमारे साथ में इनके अधिवक्ता मिस्टर आकरे जी हैं, उनसे बात करेंगे। आकरे साहब, वकील साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आज इन्होंने जो संघर्ष किया है, क्या कहना चाहोगे, कितना बड़ा इन्हें न्याय मिला है? इनकी जो यूनियन है वो सबसे पहले तो उनका वो श्रेय है। ये सब एकजुट होकर जब तक लड़े नहीं तब तक इनको कभी भी न्याय मिला नहीं। आज इनकी जितनी भी यूनियन है, NMC की 4 से 5 अलग अलग यूनियन है, हर कोई अपने हिसाब से लड़ रहा है। इनका हाई कोर्ट हो गया, इनका सुप्रीम कोर्ट हो गया, और अभी इनका बहुत जगह से लेबर कोर्ट में भी बहुत सारे मैटर है, इंडस्ट्रियल कोर्ट में भी बहुत सारे मैटर है। अब जब से इनका प्रस्ताव पारित हुआ था NMC का मंजूरी के लिए, तो वो भी पेंडिंग था 10 सालों से, अब वो भी पार हो गया है। अभी कुछ और इनको ऑर्डर आज मिलने वाले है, उनकी लिस्ट बन गई है, और अभी महापौर ने भी इसमें इंटरव्यू दिया था, TV पे भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था, तो उसी हिसाब से अभी इनका भवितव्य अभी सुधरेगा। एक्चुअली इनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो गया है, 20-20 साल डेली वेजेस पे काम किया है, बहुत सैलरी कम थी इसके पहले, 2015 के बाद में इनकी सैलरी में अभी बढ़ोतरी हुई है। उसके पहले ये परमानेंट आदमी के साथ खंधे से खंधा लगा के काम करते थे NMC में, झाड़ू मारना और सफाई करना। आज नागपुर जितने भी स्वच्छ है वो इनके वजह से है। तो ये सब लोग इतने पीछे रहने का कारण, तो पहले इनकी एकता नहीं थी, अभी इनकी एकता है, तो अभी ये धीरे धीरे आगे और बढ़ेंगे। वकील साहब, ये बताइए कि जैसे जो शुरू के जो लोग हैं जो परमानेंट हो चुके थे, अब की बार ये लोग 2122 लोग जो परमानेंट होने जा रहे हैं, मगर इनकी जो तनख्वाह, जो वेतन है, क्या 7वां वेतन इन्हें लागू होगा? इनको जो पैसे गुजर बसर करने के लिए अच्छा होना होता, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लॉज है, अभी ऐसा होगा कि जो पहले से परमानेंट है, जिनको जिस वेतन आयोग का जो कुछ मिला है वो इनको अभी मिलेगा आगे, और देना ही पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र शासन ने अभी इनकी पोस्ट सैंक्शन कर ली। अब इनको ऑर्डर मिल चुका है परमानेंट का? इनका लिस्ट बन गया, ऑर्डर अभी मिलने का है। अब अरे जोन नहीं, वो अभी मिलेगा, 2-4-8 दिन में हो जाएगा, वो उसका पूरा प्रोसीजर चालू है। लेकिन ये बात तो तय है कि ये पूरे 2100 लोग पूरी तरह से परमानेंट हुए हैं? हाँ, उसमें लिस्ट है, 20 साल जिनका कंप्लीट है उनका हर किसी का ऑर्डर निकल रहा है। जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेगा उसमें कुछ क्राइटेरिया है कि एवजदार कार्ड है, उनका सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब जो डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाएंगे तो इनको अभी ऑर्डर मिलेगा। कितने लोग हैं जो परमानेंट हुए? अभी तो मेरे पास लिस्ट अभी है एक, लेकिन हार्डली एक 200-300 का अभी एक लिस्ट है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे। 2122 लोगों की बात हो रही थी? हाँ, तो पूरे हो जाएंगे ना, वो वैसा ही होगा, पूरा ही होगा, क्योंकि 86 के बहुत ज़्यादा मेंबर्स है, 2000 के कम मेंबर्स है, तो वो उसके हिसाब से जैसे जैसे डॉक्यूमेंट जिनके सबमिट हो रहे हैं उसका वेरिफिकेशन हो रहा है अभी, और फिर वो उसके हिसाब से उनको ऑर्डर मिलेगा। आखिरकार जीत उसी की होती है जो
संघर्ष करता है। इसी मुताबिक आज हम देख सकते हैं कि नागपुर महानगर पालिका के ये वही एवजदार बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए, ढोल ताशे भी उन्होंने लाए हुए हैं और अब की बार उनकी जीत हुई है। कहने का मतलब ये है कि अब वे परमानेंट हो गए और अपने परिवार का गुजर बसर करेंगे। जिन बच्चों की शादी अब तक वे बाप नहीं कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे। इतना नहीं तो जिन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ा था, पैसे उनके पास नहीं थे, ऐसे में मनपा प्रशासन ने भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया था। ऐसे में जिए तो जिए कैसे, ये सवाल उनमें अब भी बरकरार था। मगर आखिरकार उन्हें न्याय मिला है और कानून सबसे बड़ा होता है। राज्य सरकार की काफ़ी अच्छी पहल कहना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने भी उन्हें न्याय दिया है और अब की बार ये तमाम लोग एवजदार लोग अब परमानेंट हो चुके हैं। थोड़ी देर में इनकी एक ऑर्डर कॉपी आने वाली है, ऐसे वकील साहब ने बताया है। और देश को, ये सच्चे देश के नागरिक है जो दिन रात काम करते हैं, कूड़ा कचरा निकालते हैं, खुद की दूसरों की गंदगी अपने ऊपर में लेते हैं, लेकिन इस देश को, इस समाज को और इस नागपुर शहर को स्वच्छ रखते हैं। ऐसे में उनका जीवन भी स्वच्छता से भरपूर होना चाहिए, उन्हें भी सातवां वेतन मिलना चाहिए और इसके बाद कोई भी अस्थायी न होते हुए हर कोई स्थायी हो और इस देश का जो नागरिक है सुजलाम सुकलाम हो, सुजलाम सुफलाम हो, यही मांग आज नागपुर महानगर पालिका के इस परिसर से ये तमाम लोग कर रहे हैं। नागपुर महानगर पालिका परिसर से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।